अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी हीउ बर्ड हाउस ठाहिण जो तरीक़ो। हीउ बर्ड हाउस मां पंहिंजे डेकोरेशन में इस्तेमालु कंदसि त थी सघे थो तव्हां मां कंहिंजी दिलि चाहे हिनखे तव्हां ठाहिणु चाहियो। हीउ वॾी साइज़ जो आहे ऐं हिन में डबल मूं होल ठाहिया आहिनि, पर हींअर जेको मां ठाहींदमि उहो सिंगल होल वारो आहे, हिन खां थोरो नंढो आहे, पर तरीक़ो ठाहिण जो साॻियो ई आहे, त तव्हां हुन मां आइडिया वठी सघो था। तो आज मैं आपके साथ ये बर्ड हाउस बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बड़ा बनाया है, इसमें डबल सुराख हैं, डबल होल हैं। आप अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो मैं सिंगल का सिखा रही हूँ, लेकिन बात एक ही है, अगर आप बड़ा बनाना चाहें इसमें आप तीन होल वाला भी बना सकते हैं। तो ये मैं डेकोरेट करूँगी अपने प्लांट्स के साथ, तो मेरी आने वाली किसी वीडियो में आप लोग देख भी सकेंगे कि इनका मैंने क्या किया है। तो इसके लिए जो हमें मटीरियल चाहिए उसमें ये कलर जो पेपर, मेरे पास ये लहरों वाला पेपर है, आप प्लेन इस पे पेपर यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स में हैं और ये शाइनिंग वाले भी हैं, सिल्वर है, गोल्डन है, ये ऐसा ब्लू है फिरोजी रंग का, और ये रेड है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये एक तो रंगीन कोई भी पेपर जिस कलर में जिस पेपर के साथ आप बनाना चाहें, और बेस बनाने के लिए कोई भी गत्ता, ये मैंने अभी लिया है एक जूते के डब्बे का, ठीक है, और ये ब्राउन गत्ता जिसमें ये सौदे आते हैं हमारे पास डब्बों में। तो असांखे जेको मटीरियल खपंदो कंहिं बि तरह जो आम सिंपल सादो पाठो, ही मूं शू बॉक्स जो खयो आहे, हीअ आहे सौदे जे कंहिं दॿे मां वरितल, ठीक आहे। ऐं उनखां अलावा अहिड़े क़िस्म जा रंगीन पेपर, ज़रूरी न आहे तव्हां वटि सेम अहिड़ो लाइननि वारो कागज़ हुजे, पर तव्हां कोई बि प्रिंटेड खणी सघो था, प्लेन रंगीन पेपर खणी सघो था। उनखां अलावा असांखे ग्लू खपंदी, स्केल आहे, कैंची आहे, ऐं हीअ कटर आहे पेपर कटर, ऐं हिकिड़ी पेन खपे, ठीकु आहे, ऐं नंढी कैंची जी ज़रूरत पइजी सघे थी, उहो डिपेंड करे थो कम ते। त असां हाणे जेको आहे ठाहिणु शुरू था कयूं। इसको इसकी जो बेस मैंने बनाई है ये चीज़ें, एक जूते के डब्बे से, ये 4 इंच लंबा है, ये भी 4 इंच चौड़ा है, और ऊपर ये जो इसका हिस्सा है चोंच का, नोक का, वो 2 इंच है, ठीक है। ये 6 इंच का मैंने पीस लिया, 4 इंच दोनों तरफ से छोड़ के ये मैंने बीच में से काट लिया। तो ही 4 इंच वेकरो आ, 6 इंच ड्रिघो आ, तो उनमें मां पासन का 4-4 इंच छदे आई इनके मुँह जो मथे शेप दिनो हाउस जो। तो ज़रूरी कोने तो मुझी माप से खड़ो, तीन मर्जी से कोई भी साइज खड़ी सको, था साइज आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये जैसे देखिए ये इससे ज़्यादा है, ऊंचा है, ठीक है। तो तुम पानी मर्जी से को भी इन शेप में ही शेप तुम कटो। एक मैंने ये बैक साइड है इसकी, ही पुठ्यो पासो ही जो है जो फ्रंट साइड आ, ये मैंने इसका फ्रंट काटा है, और इस पर मैंने ये सिक्का एक बड़ा रख के, 10 रुपये वाला ये सिक्का है, साइज बता रही हूँ, वो रख के मैंने फिर ये पेपर कटर से कटिंग कर ली, ठीक है। त हीअ 10 रुपए वारो सिको, सिके जा पैसा नथी ॿुधायां, बल्कि सिके जी साइज़ थी ॿुधायां, त वॾी साइज़ जो सिको खणो, उहो रखी हिते, तव्हां हिन जो ट्रेस कयो सर्किल, ऐं पोइ तव्हां पेपर कटर सां कटे वञो। अगरि तव्हां नंढी कैंची इस्तेमालु करणु चाहियो तॾहिं बि ठीकु आहे, जीअं तव्हांखे सहूलियत लॻे। पुठियो पासो सिधो रखंदासीं, फ्रंट में जेको आहे होल कंदासीं, बैक साइड को हम सीधा ई रखेंगे, बस शेप काट लेंगे, दोनों ये इक्वल शेप में कटेंगे। अगर आप जब एक शेप काट लो तो आप रख के ये गत्ते पे दूसरा ट्रेस कर लो, तो दोनों ये सेम साइज़ के हो जाएंगे। पहले एक पासो कटो, तो उनके बे गत्ते ते रखी ट्रेस करे कटो, तो बई एक तरह थी वा। फ्रंट वारे में होल करणो, सुराख करणो, उनखां पो पासन जे लाए ही साइड्स इन तां दिसंदो, वो तांजी मर्जी आ, तां केतरो वेकरो रखण चाहियो था। ही 2 इंच इन, ये 2 इंच मैंने इसको चौड़ा रखा है, जो साइड वाली जो पट्टियां हैं ये इसके साथ ऐसे यूं जुड़ेंगी, ये घर की चौड़ाई है, ठीक है, इस तरह। तो ये जब मैं लगाऊंगी तो आप देख लेना। अच्छा, उसके बाद 2 ये साइड्स चाहिए, 2 ये फ्रंट और बैक, एक एक पीस, ये 2 पीस, ये 2 पीस, ठीक है। तो इसके साथ फ्रंट के लिए मैंने ये कलर लिया है, फ्रंट जे लाइ मूं ही फिरोजी रंग खयवा, चमकीलो शाइनिंग वारो, त हिन जो फ्रंट मां हिन सां ई ट्रेस चिमड़ाईंदसि, हिन सां ठाहींदसि। ऐं हिन जी बैक जो जेको मूं खयो आहे उहो ही ब्राउन खयो आहे, सिंपल मैट कलर। हीअ बैक साइड आहे हिन जी,
ही जिके बस साइड्स, ये दोनों साइड पे ये गते आएंगे क्योंकि बेस किसी और गते से बनेगी, फ्रंट पे जो है बाहर की तरफ जो है वो हम कोई डिज़ाइन वाला कोई भी कलर्ड पेपर लगाएंगे। तो सभी का पहरू हाँ ऐसा इन में भी होल कंदासी, ये फ्रंट पे लगेगा तो जाहिर है कि इसमें हमें होल बनाना है। उसका तरीका ये है कि इसकी बैक साइड सामने करें, इसके ऊपर ये रखेंगे हम और इसको पेन से हम या पेंसिल से आप ट्रेस कर लें। ठीक है, ये ट्रेस हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग, पेपर कटर से करें आप कैंची से करें, इसको काट लेना है। फिर इसको ही होल मुँह कटिंग करे वरतो हाणे असां हिन खे चिंबड़ाईंदासीं। ग्लू ही क्राफ्ट के लिए मैं अक्सर यूज़ कंदी आहियां। तव्हांजी मर्ज़ी आहे, तव्हां का भी ग्लू खणणु चाहियो त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां खणी सघो था। असां सभिनी खां पहिरियों हिन ते हल्की हल्की पासनि ते ग्लू हणी ईंदासीं, विच ते हणणु ज़रूरी नाहे। हल्की हल्की ग्लू लॻाएंगे होल के भी चारों तरफ और इस पीस के भी चारों तरफ, बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ये चिपका लेंगे। ठीक है, चिंबड़ी वो अच्छी तरह दबा लें, इनके चंग तरह दबाए चिंबड़ाईंदे। ये हाँ इन सभी पासन से मैं इन पीसिस चिंबड़ा वेंदस। हाँ ये दिसो फ्रंट ते भी चिंबड़ाए छो, इस पे भी मैंने जो बाहर का जो कलर पेपर है वो चिपका दिया है, ये बैक पे भी और ये दोनों साइड्स पे भी। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। असा इन ग्लू हणी हाँ पासन के पान में गंढींदे, पर हे मां तव्हांखे पहिरियों बि बार बार ॿुधायो त हीअ ग्लू तकड़ि में न ॻंढींदी आहे, हिनखे हणी थोरो छॾिणो पवंदो, हल्की थोरी ड्राई थींदी आहे त पोइ सुठो ॻंढे छॾींदी आहे। हीअ ग्लू जब बहुत ज़्यादा गीली होती है तो ये अच्छी तरह से नहीं जोड़ती है, और थोड़ी सी ये जब खुश्क हो जाती है तो इसको चीज़ों को अच्छी तरह से जोड़ देती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। ये एक साइड ये देखें, ये साइड में इससे इसके साथ जोड़ रही हूँ। इस तरह हम चारों साइड जो हैं एक दूसरे से चिपका लेंगे, चार ही पासा असा ही एक बे से चिंबड़ाए वठंदासीं। इनके मां इतने छड़ियां थी सुकड़न के लिए, इसको खुश होने के लिए रख देते हैं और फिर ये दूसरी साइड। यो ख्याल रख जो तो ही तवा लेफ्ट ते अगर चिंबड़ाया हुआ तो हे इनके राइट ते चिंबड़ाईंदासीं। ठीक है, ये ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि दोनों जो साइड्स हैं वो एक ही तरफ से आप चिपका लें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं इसको रख दूंगी। ये देखें, ये इसके साथ एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है, फिर हम इनको आपस में इस तरह जोड़ेंगे ताकि ये एक बॉक्स सा बन जाए। ये देखें, तो अभी मैं इसको दो मिनट रख लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से थोड़ा चिपक जाए, ये चंगी तरह चिंबड़ी वने सेट थी वने तो अगे कम कंदासीं। ये दोनों पीस जुड़ चुके हैं अच्छी तरह से, अब ये इनको आपस में मैं जोड़ रही हूँ। ग्लू लगाएंगी और फिर इनको जोड़ के मैं थोड़ी देर रख दूंगी। ठीक है, इन्हनि खे हाणे मां ग्लू हणंदसि ऐं ही चारई पासा हिक ॿिए सां ॻंढिजी वेंदा। ग्लू हणी थोरी देर छॾिणो पवंदो त जीअं चङी तरह सां सेट थी वञे, ऐं अगरि लूज़ हुजे त हथनि सां चङी तरह सां दॿाए उनखे तव्हां सेट कयो। अगरि आप इसको रख देती हैं जुड़ने के लिए तो अगरि आप देखें कि ये लूज़ हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हथों से अच्छी तरह यूं दॿा के आप उसको सेट कर लें। ये असांजो ॻंढिजी चुको आहे, ये हाउस जो है ये हमारा अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे छत। छत जो है वो इसकी मैं रेड से बना रही हूँ, और छत की जो चौड़ाई हम रखेंगे ये इसके हिसाब से रखेंगे। 2 इंच ये चौड़े थे ये साइड के पीसेस, तो 2 इंच से मैं इसको 2.5 इंच तक रखती हूँ। ठीक है, तो असां हाणे छत ठाहींदासीं। छत मां रेड मां थी ठाहियां, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी पसंदि जो कलर खणी सघो था। छत जी काई बेस न ठाही आहे, जैसे इसकी हमने पहले बेस बनाई ना चारों साइड्स, ऊपर से हमने कागज़ चिपकाया रंगीन, तो छत की मैंने कोई बेस नहीं बनाई। तो अगर आपके पास पतला कागज़ हो तो आप बेस बना लें, मेरे पास ये मोटा है कागज़ तो इसकी बेस नहीं बना रही हूँ, बल्कि इसी में से डायरेक्ट मैं छत काट के इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये आप इसको नाप लीजिएगा, 2 इंच चौड़ी है ये पट्टी, मैं इसको 2.5 इंच चौड़ा काट रही हूँ छत के लिए पीस। मैं डायरेक्ट फ्री हैंड काट रही हूँ, आप इसको काट सकते हैं तो इस तरह काटें, वरना इसको अच्छी तरह से आप नाप कर काटें। अब इसको हम करेंगे पूरा फोल्ड, असा इनके बिटो कंदासी। ठीक है, पूरे विच तां फोल्ड कयोसे, हाने ही असा के हने जे मथा चिंबड़ाणो। और जो थोड़ा सा मैंने चौड़ा करके काटा है ना, ये 2 इंच था मैंने 2.5 काटा है, तो वो आधा इंच हम आगे की तरफ
जैसे छजा सा निकला हुआ होता है आगे की तरफ निकाल के इसको फिर चिपकाएंगे। ठीक है, जो अध इंच वधाए कटो वो अस अगैं वधाईंदी अस इन बिल्कुल इक्वल रखी। हाँ अस पे ग्लू हणूँ था, बढ़ा हुआ हिस्सा याद रखें कि वो सामने बढ़ा देंगे हम, ताकि वो एक शेड एक छजा सा लगे, एक शेड लगन जनो जो घर के मथा हूँ। हाँ अस इन ग्लू हणी इन मथा यह छत लगाइंदी, ग्लू लगा दी मैंने इस पे, ग्लू लगी हुई है। हाँ ये छत अस इन चिमड़ाई था, छत लगाने के लिए बैक साइड से इसको बराबर रखें और हाथ से दबा के जोड़े, हथ से थोड़ा दबाइंद गंढण की कोशिश कर छो तो ये थोड़ा ड्राई थी तो सुठो गंढजी वो। में ग्लू में इलाही सारा धागन वागू निकलना है, धागे धागे से निकलते हैं इसमें रेशे, उसको आप हटाते जाएं। अगियां डिसो अगियां वधाया हुआ आगे से बढ़ा दिया है और लंबाई में भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि वो जैसे घरों के शेड होते हैं उस तरह से इसका लुक आना चाहिए। ब मिनट इन छूँ था ये पानी सेट थी वो। हाँ अस था इतने जो पखियन के वेहण के लिए स्टिक हणबी है, जो मुहन में हई है इसमें मैंने लगाई है। बर्ड हाउस जो असल में भी मिलते हैं तो उनके बाहर ये लगे हुए होते हैं ताकि परिंदे इस पर बैठ जाएं। और इसके साथ साथ हमें इसकी बेस भी बनानी है, नीचे से खाली नहीं छोड़ेंगे, ये बेस हम बनाएंगे। कोई भी आम सा गत्ता या जिससे आपने बर्ड हाउस के अंदर के पीसेस काटे थे उसी से आप इसकी बेस भी बना लें। तो ये पीस इसकी बेस में लगाऊंगी मैं। तरो इन जो ज़रूर ठाहिणो आहे, ज़ाहिर असां हिन खे किथे भणंदासीं टंगींदासीं त जीअं ही हेठां खुलियल नज़र न अचे। ऐं हिन जो ही स्टिक हिते ठाहिण जे लाइ पखियुनि जे रहण लाइ रेड मां ई खणां थी मां पीस। ठीकु आहे, ऐं मां कोशिशि कंदी आहियां त ज़ाया कुझु बि न थिए, नंढे खां नंढा पीसिस ई मुंहिंजा यूज़ थी वेंदा आहिनि। इहे हिकु पीस लिया है मैंने, इसको रोल कर लेते हैं। चाहे आपके पास इस तरह का कागज़ है, प्लेन कागज़ है, जो भी है उसको आप अच्छी तरह से यूँ रोल करके ये बैठने के लिए परिंदों के लिए बनाएंगे हम। ठीक है, ये रोल थी वो इनके ग्लू हणी है ती ये रोल खुली न वने, इस पर हम लगा रहे हैं ग्लू ताकि रोल जो है वो बंद हो जाए, खुले नहीं। दो मिनट इसको भी हम अच्छी तरह पकड़ लेंगे दबा के, ताकि ये सेट हो जाए और चिपक जाए। ये असो इनके भी साइड पे रखूँ था, इसको रख लेते साइड पे, जब तक ये सेट होगा तब तक जो है हम इसका बेस का जो हिस्सा है वो लगा लेते। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आप काटें और थोड़ा सा उसको आप मामूली सा छोटा कर लें, ताकि ये बाहर से जो है इसकी बेस नज़र नहीं आए। जब हम इसको लगाएंगे तो ये यूँ दिखना नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, इनके असं हल्को कटिंदे तो जी ये इन बर्ड हाउस के तरे में अंदर फिक्स थी वे, ये बाहर असंके दिसण में न अचे। थोड़ो असं इनके ट्रिम क्यों था, हाँ अस इन में अंदर थोड़ी ग्लू हणंदे हल्की, अंदर की तरफ हल्का सा ग्लू लगा लें। ग्लू मां इन में हणी छड़िया, ही असं इन में क्यों था फिक्स। तो ऐसे लगाएंगे कि ये बिल्कुल कम से कम सामने की तरफ से तो नज़र नहीं आए, पीछे से अगर थोड़ा सा नज़र भी आएगा तो वो पीछे ही रहेगा, जाहिर नहीं होगा। ये दिसो सामू वाले पासे का मुँह इनके बिल्कुल ये अंदर कर हयो आ तो जी नज़र न अचे, पोयां थोड़ो निकतल है मथे आ तो उनको कोई फ़र्क नथो पे, वो पोयां ही रहजी वेंदो। अब इसको भी हम थोड़ी देर रखेंगे सेट होने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर अगर जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है तो ये इस तरह हम दो सर्किल काट के लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा रही हूँ मैं। अब ये जो सेट हो गया है, ये स्टिक जो हमने बनाई है पेपर से, उसके एक सिरे पे हम लगाएंगे ग्लू, एकड़े सिरे पे असा इनके ग्लू हणूँ था। ब मिनट इन ग्लू के असा ई छूँ था, झले था बिहूँ तो थोड़ी खुश्क थी वही, हवा आप इसको दे सकते हैं थोड़ी सी, और फिर उसके बाद ये जैसी हल्की खुश्क होगी ना, बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, दो मिनट इसको हवा लगाने के बाद आप इसको इस तरह से जोड़ लें।
ही है, लेकिन अभी हम इसको सीधा नहीं रखेंगे, ये गिर रहा है, तो इसको हम रख रहे हैं ऐसे और ये इस पर चिपका देते हैं। थोड़ी देर में ये इसके साथ चिपक जाएगा। ये हाणे चिबड़ी वैवा, ये इस पर चिपक चुका है अच्छी तरह से। हाणे ही मोट एन पक्षी, ये बर्ड्स हैं मेरे पास छोटे से, ये पैकेट मैंने लिया था, एक 12 थे इसमें, दो तीन में यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये बर्ड्स मैं इसमें बिठा रही हूँ बर्ड हाउसेस में। सबसे पहले वो तो अभी उस पर पहले इस पर काम करते हैं, पहले असहन में था वहरू, ये एकड़ो पक्षी आके माँ थोड़ी ग्लू हणंदम इन हेठा इसके नीचे, क्योंकि इसको बिठाना है तो इसके नीचे हम ग्लू लगा रहे हैं। इसको मैं बिठा रही हूँ अंदर की तरफ, थोड़ा सा निकला हुआ, कि जैसे ये अपने घोंसले में से, अपने बर्ड हाउस में से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। एक और हम बिठाते हैं, ये बने बनाए आमतौर पे मिल जाते हैं ये बर्ड्स किसी भी क्राफ्ट शॉप से, जहाँ पे ये मुख्तलिफ ऐसी पेपर शीट्स, ग्लू वगैरह मिलती हैं, बुक स्टॉल पे भी आजकल आमतौर पे अवेलेबल है। इसको मैं बिठा रही हूँ यहाँ, वही बात कि ये ग्लू जो है अभी एकदम से नहीं चिपकेगी, इसको मैं थोड़ा सहारा देके बिठा दूँगी, थोड़ी देर में ये चिपक जाएगा। अच्छा, इसको मैंने नीचे से भी ग्लू लगाई, थोड़ी साइड पे भी लगा रही हूँ, ताकि वो साइड से भी जो है वो फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। हिनन के हाँ मां इस्तेमाल कंदमि पंहिंजे प्लांट्स सां गॾु, अपने प्लांट्स के साथ मैं इनको डेकोरेट करूँगी। इस पर भी एक परिंदा बिठा देते, तो ये एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छा लुक देगा। ये देखिए, इसको भी मैंने नीचे से भी ग्लू लगा रही हूँ और थोड़ी इस साइड से भी, ताकि वो दीवार के साथ इसका ये हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे से भी जुड़ जाएगा और उस तरफ से भी दीवार के साथ भी, तो इसके गिरने का इम्कान नहीं होगा। तो ये दो मेरे बर्ड हाउसेस रेडी हैं। ये बड़ा वाला मैंने आपके सामने नहीं बनाया, लेकिन ये भी वैसे ही बनेगा। और ऊपर आप इसमें मैंने एक होल किया, इसमें दो किए हैं, तो आप दो वाले, तीन वाले बना सकते हैं। और एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसका राउंड शेप भी बना सकते हैं। कोई भी गता लें, उसको इस तरह से राउंड कर लें, जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए, ठीक है, उतना काट लें। पहले इसमें होल बनाएं, एक दो तीन जितने भी, उसके बाद आप इसको जो है इसी तरह से छत भी बनेगी और सब कुछ। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो और बनानी पड़ेगी, इस तरह आपको शायद ज़बानी समझ में ना आए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तो तक मुझो ही आइडिया वणो हों, जो वणो हो तो वीडियो लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, चैनल मुझे सब्सक्राइब कर, अड़ी अना सुठी सुठी मज़े मज़े जो शूं तक शेयर कदम इनशाला जिंदगी रही। तो हमेशा चवी प्यार से कम कर, प्यार से कम कन्नी आया, मुझे घर सजाने जो ढो शौक है, इन कर शेयर क्या थी। पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। इनशाला वरी कंहिं ॿी वीडियो सां, कंहिं कम जी ॻाल्हि सां मिलंदासीं। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो, अलाह वाही।